तो हमारे साथ जयदेव बंसल जी है जो मंडी एसोसिएशन के प्रधान है और किसान यूनियन से सत्यवान जी है, इनसे पूरी बात करेंगे कि क्या कहते हैं, क्या प्लान है कल के बारे में, किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाएगा और किन लोगों साथ लिया जाएगा और पूरे नरवाना के अंदर जिस प्रकार से जो प्रदर्शन किया जाएगा उसके बारे में पूरी बात पूछते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, कल के लिए जिस प्रकार से 8 दिसंबर को पूरा भारत का बंद का ऐलान है, तो कल का क्या प्रोग्राम है, कल किस प्रकार से प्रदर्शन किया? कल नरवाना अनाज मंडी पूर्ण रूप से बंद है, कोई भी काम नहीं होगा, वो किसान बाजार बंद रहेगी, किसान के साथ है। अच्छा अच्छा, कल क्या टाइम रखा गया और कितने बजे तक का टाइम रखा गया जी प्रदर्शन? कल पूरे दिन जी, पूरे दिन। अच्छा, नरवाना में जैसे पूरे शहर में मार्च को लेकर क्या बात है, जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जाएगा? सब बंद होगा बाजार जी। अच्छा जी, शहर में ही प्रदर्शन किया जाएगा? शहर में ही प्रदर्शन होगा और पूर्ण रूप से बंद। अच्छा, मेन स्थान कहाँ पर रखा जाएगा जहाँ पर आपका धरना प्रदर्शन? छोटू राम पार्क जी। छोटू राम पार्क 9 से 3। ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। कल के लिए क्या प्रोग्राम है और संयुक्त मोर्चा का जो भारत का किसान आंदोलन चल रहा है उसी के कॉल के आधार पर हमने नरवाना की तमाम जो दुकानें हैं अलग अलग एसोसिएशन ने उनसे अपील की है और सबने यकीन और भरोसा दिलाया कि पूरे दिन कल नरवाना बंद रहेगा और ठीक 9 बजे छोटू राम पार्क में इकट्ठे होकर के हम पूरे शहर में प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, इनमें किन किन वर्गों के लोग शामिल होंगे सर? इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था वो किसानी पर टिकी हुई है, चाहे वो आड़ती है, चाहे वो करियाने वाले हैं, चाहे वो कपड़ा वाले हैं, चाहे मजदूर हैं, हर तरह की व्यापारी जो है वो खेती से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये इंग्लैंड तो है नहीं जिनकी अर्थव्यवस्था अन्य उद्योग धंधों पर टिकी हुई है। तो हमारी आशा ये है कि नरवाना के अंदर सभी दुकानें पूरा दिन बंद रहेंगी। तो क्या अपील करना चाहोगे जो नरवाना के वासी है, दुकानदार है और सभी वर्ग के लोग हैं? मैं सभी दुकानदार भाइयों से अपील करता हूँ कि किसानों का तन मन धन से सहयोग दें ताकि भारत सरकार जो तानाशाही रवैया अपना चुकी है उसको हम झुका सकें। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, कल के लिए क्या रहेगा आपका प्लान? पूर्ण रूप से अनाज मंडी की तरफ से सभी किसान आंदोलन का पूरा डट के समर्थन में है, मंडी पूरा सहयोग देगी, हर मामले के ऊपर जहाँ किसानों का खून बहेगा मंडी उनके साथ रहेगी, चाहे गोली चलो या पत्थर चलो, उसमें किसान के बाद हम अनाज मंडी की तरफ से पीछे नहीं रहेंगे और सरकार का पूर्ण रूप से इन बिलों के खिलाफ पूरा विरोध करेंगे ताकि मंडीकरण सिस्टम को जो सरकार बंद करना चाह रही है, जो इतने चाहे मजदूर है चाहे व्यापारी है सभी का ये धंधा चौपट करने के लिए ये गवर्नमेंट उतरी हुई है, ताकि इसमें हम पूर्ण रूप से सरकार के खिलाफ हैं और ताकि ये जो कानून है वो उसको वापस लें, इसका हम पूर्ण रूप से किसानों का समर्थन करते हैं। सर, कल अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान नहीं बंद करता है तो क्या उनके लिए रहेगा सर? सभी भाई एकजुट हैं, किसी भाई के अंदर कोई न्यारी कोई छांग नहीं पड़ रहा, अगर कोई भाई इस प्रकार से कोई अड़ेगा तो उसका आगे हाथ जोड़कर विनती की जाएगी कि पूर्ण रूप से सभी 36 बरादरी के लोगों का, सभी व्यापारी सभी भाइयों का एक योगदान है कि वे पूर्ण रूप से भारत बंद हो और ये कानून जो सरकार ने पास किए हैं वो वापस लिए जाए। कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे कि शहर के अंदर ही बंद रहेगा या हाईवे जो चल रहे हैं वहाँ पर भी विकलों को बंद किया जाएगा? हाँ, उनको भी बंद किया जाएगा और सभी एक लोगों में आक्रोश पैदा हुआ है कि इस कानून काला कानून के खिलाफ सभी वर्ग के लोग खिलाफ हैं और इसमें पूर्ण रूप से सभी रास्ते बंद होंगे। ठीक है, धन्यवाद।